नमस्कार। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ एक बार फिर से मुश्किल में है। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल मामला उनकी जुबान का है जिसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं और अपनी जुबान की वजह से उन पर ये मुसीबत आ गई है। आखिर क्या है पूरी कहानी बताते हैं इस वीडियो। दरअसल संजय गायकवाड़ महाराष्ट्र के बुलढाणा से विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के खास हैं, उनके गुट के हैं। उन्होंने 16 सितंबर को राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। अपने बयान में राहुल गांधी को लेकर गायकवाड़ ने कहा था कि राहुल गांधी पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, उन्हें इसका इनाम मिलेगा और जो भी राहुल गांधी की जीप को काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपये दिए जाएंगे। सुनिए उन्होंने इसको किस तरह से कहा था। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा का संविधान बदलेगी ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागा स्वर्गीय को शेड्यूल ट्राइब को OBC को सारे पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन दिया है ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है। इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए, उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया। जो बाबा साहब अंबेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते हैं, जो इसकी जीवा छटेगा मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। वहीं उनके इस बयान के बाद कांग्रेसी भड़क गए। सभी ने एक एक कर संजय गायकवाड़ को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने तो कहा कि संजय गायकवाड़ सत्ता के भरोसे मस्ती में चूर है, एकनाथ शिंदे का पाला हुआ एक ऐसा प्राणी है, ये हमेशा इस तरह की बेफिजूल के बयान देता रहता है। इन्होंने जो 11 लाख रुपए की घोषणा करके राहुल गांधी की जीप काटने की बात की है, अगर कोई सूरज की तरफ थूकेगा तो ये उन्हीं की तरफ नीचे चेहरे पर गिरेगा। आदमी जो सत्ता के भरोसे मस्ती में चूर है जिसका नाम है संजय गायकवाड़, ये एकनाथ शिंदे ने पाला हुआ एक प्राणी है, ये हमेशा की तरह बेताल वक्तव्य करते रहता है। इन्होंने जो 11 लाख रुपए देकर 11 लाख रुपए की घोषणा करके राहुल गांधी की जीप छाटने की बात की, अरे सूरज के तरफ थूकेगा तो थूकी तो तेरे ऊपर ही आएगी, तेरा चेहरा ही उसमें चेहरे पर गिरेगी, ये भी ध्यान रख। ये बहुत ही चिल्लर आदमी है और ऐसी बकवास ये चिल्लर आदमी जो करता है उसको जवाब देने की हमें जरूरत नहीं है, मगर ध्यान में रखना चाहिए एकनाथ शिंदे नानी और देवेंद्र फडणवीस ने कि इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। एक MLA होकर ऐसी भाषा ऐसे ऐलान करना ये कानून का उल्लंघन है, कानून के विरोध में ये बात कर रहा है, इसके ऊपर त्वरित और कड़क कार्रवाई हो, नहीं तो आने वाले दिन में महाराष्ट्र में तुम्हारी औकात क्या है वो जनता दिखाएगी। इतना ही नहीं, इस बार गायकवाड़ का साथ उनकी पार्टी के लोगों ने भी नहीं दिया और ना ही सहयोग। महाराष्ट्र के जो BJP अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने तो उनसे साफ साफ कन्नी काटते हुए कहा कि विधायक की टिप्पणी का वो समर्थन नहीं करते। बता दें कि BJP राज्य में महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार का एक हिस्सा है। वहीं जब ये पूरा मामला बढ़ा तो बुलढाणा में संजय गायकवाड़ की FIR दर्ज कर ली गई। दरअसल गायकवाड़ ने यह बयान राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दिया था जिसमें राहुल गांधी ने भारत में आरक्षण कब तक चलेगा इस सवाल के जवाब में कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश के सभी लोगों को समान अवसर मिलने लगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति है नहीं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place and India not a fair place. राहुल गांधी के इस बयान पर देश भर में उनका विरोध हुआ, यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी के बयान का विरोध किया, लेकिन संजय गायकवाड़ की तरह उन्होंने जीभ काटने की बात नहीं की। हालांकि राहुल गांधी ने बाद में ये कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। We're going to address that problem. I don't see it as a mandal versus commandal issue. And what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, mm-hmm. and then we're going to apply
a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we are going to, or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. वैसे आपको बता दें कि गायकवाड़ समय-समय पर विवादों में घिरते रहते हैं। पिछले महीने एक पुलिसकर्मी का उनके घर पर उनकी गाड़ी को साफ करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर उन्होंने बाद में सफाई दी। वहीं इसी साल फरवरी में गायकवाड़ ने यह दावा किया था कि उन्होंने 1987 में एक बाघ का शिकार किया था, जिसके दांत वो गले में पहने हुए। इसके तुरंत बाद राज्य वन विभाग ने दांत को फॉरेंसिक पहचान के लिए भेज दिया और गायकवाड़ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बहरहाल इस मामले में भी जो उनकी बदजुबानी है उस पर मामला दर्ज हो गया है और अब इस पर कितनी तेजी से एक्शन होता है ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो जो राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी गर्माहट भी बढ़ती जा रही है और ऐसे बयानवीर बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जो उन्हीं के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। नमस्कार।